नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें अपने साथ में ले जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, अमरनाथ यात्रा में आपको क्या क्या चीजें अपने साथ में ले जानी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको अमरनाथ यात्रा में नहीं, अगर आप कहीं पर भी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आपको ये चीजें अपने साथ में ले जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके पास बैग किस टाइप का होना चाहिए। काफी सारे जो लोग हैं वो छोटे बैग ले जाते हैं जिनमें उनका प्रॉपर सामान नहीं आ पाता, तो आपको ऐसा प्रॉपर ट्रैकिंग बैग अपने साथ में ले जाना है जिसमें पीछे की साइड अच्छे से ग्राफिक्स हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो बैग है ये प्रॉपर बैग जो आपके कंधों पर यहाँ से सट जाता है। तो दोस्तों आप इस टाइप का बैग यहाँ से लें जिससे आपको कैरी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अब बात आ जाती है एक छोटे बैग की, तो दोस्तों आपको अपने साथ में एक छोटा बैग भी ले जाना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी छोटे स्थानों पर ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपने जो बड़ा वाला बैग है उसको कहीं भी लॉकर वगैरह में जमा कर सकते हैं और छोटे मोटे सामान आप इसमें डालकर भी यात्रा कर सकते हैं। यह आपके कंधे पर रहेगा जिसमें आप छोटी मोटी चीजें अपनी डाल के इसमें साथ में ले जा सकते हैं। उसके साथ में अब आ जाती है बात जूतों की, तो दोस्तों आपको इस टाइप से जूते अपने साथ में ले जाने चाहिए। ये ज्यादा हाई व्हील में है, आपको कम व्हील या जो भी आपको सूटेबल जूते लगे, जिसको ये है कि आप अगर पानी वगैरह में भी जाते हैं तो आपके पैर वगैरह भीतर से नहीं भीगेंगे। ये वाटर प्रूफ जूते हैं जो पानी में भीग जाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आप इस टाइप के हाई व्हील जूते भी ले सकते हैं। अगर आप छोटे लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप ट्रैकिंग शूज ले सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए जो आप बैग यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या सामान आपको रखना है। मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, आप कोई भी आइटम इसमें मिस ना करें। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप कोई भी एक डायरी लीजिए जिसमें आप अपनी चेकलिस्ट बनाइए कि आपको कौन कौन से सामान अपने साथ में ले जाने हैं। तो दोस्तों चेकलिस्ट के बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन सी चीजें ले जानी चाहिए। सबसे पहले बात आती है कैप की, आपको धूप से बचने के लिए अपने साथ में एक कैप ले जानी है। इसी के साथ में धूप से बचने के लिए जब जो बर्फ धूप की किरणें हैं बर्फ पर पड़ती हैं तो वो आपकी आंखों को चकाचौंध कर देती है, तो इसके लिए आपके पास चश्मा भी होना चाहिए। इसी के साथ में आपको पानी पीने के लिए पानी की बोतल होनी चाहिए। प्लास्टिक की बोतल अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड में बैन है, इसलिए आप स्टील वगैरह की बोतल ही अपने साथ में ले जाएं। उसके साथ में आपका मोबाइल रखने के लिए ये वाटर प्रूफ रेन कवर जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ये भी आपको अपने साथ में ले जाना है जिससे आपको बारिश वगैरह में आपका मोबाइल भीग जाए तो भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अब आ जाता है आपका शूज बैग, तो दोस्तों इसमें आपकी चप्पल वगैरह भी आ सकती हैं, जूते वगैरह भी आ सकते हैं। जहां पर आपको जूते का काम हो जूते निकाल लीजिए, चप्पल का काम हो चप्पल, उसके बाद इसको पैक करके रख दीजिए। अगर आपके जूते वगैरह गीले हैं चप्पल गीली है तो भी आपके बैग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा सीधा आपके बैग में लग जाएगा। उसके बाद में ये रेनकोट है, रेनकोट आपको वाटर प्रूफ अच्छी क्वालिटी का लेना है जिससे आपको बारिश वगैरह अगर होती है तो उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके साथ में एक आपको अपने साथ में एक छाता रखना है जो आपके रास्ते में काफी काम आएगा क्योंकि बारिश वगैरह वहां होती रहती है। उसके साथ में अगर आप लेना चाहते हो तो इस टाइप का एक छतरी भी ले सकते हैं जो आपकी सिर पर बन जाती है जिससे आप हैंड फ्री अपनी यात्रा कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो शरीर वगैरह है वो कहीं पर भी नहीं भीगेगा। तो दोस्तों ये काफी सारे आइटम हैं। उसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी कमर पेटी जो कि आपके कमर पर बन जाती है, छोटे मोटे सामान पैसे वगैरह रखने के काम आती है। इसमें एक दूसरी डिजाइन आती है स्लिंग बैग की, तो दोस्तों आप इस टाइप का कोई भी स्लिंग बैग भी ले सकते हैं या पेटी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आइटम आप यहाँ पर अपने साथ में ले जाना ना भूलें। उसके बाद अगर आप कोई भी कैमरे वगैरह यूज करते हैं तो उसके सेलों को चार्ज करने के लिए चार्जर जरूर ले जाएं। उसके बाद में ये आपका छोटा टूल किट जिसको अपन बोलते हैं, ये आपके साथ में जिसमें आपका साबुन या आपकी ब्रश पेस्ट तेल शैम्पू, उसके अलावा बर्फ वगैरह में जो आपकी जो स्किन है वो सूख जाती है तो उसके लिए आप
कोई भी बोरो प्लस वगैरह या कोई भी अपने जो भी आपको सूटेबिलिटी हो तो वो आप सनक्रीम वगैरह अपने साथ में रखिए। तो ये छोटे छोटे सामान आप अपने एक छोटे बैग में रख सकते हैं, जिससे आपको बार बार अलग अलग बैग खोलने की जरूरत नहीं पड़े। उसी के बाद अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये है चार्जिंग पॉइंट का पूरा व्यू, जिसमें आपको ये जो पिन है इसमें आपको एक चीज है, आप एक पॉइंट को लगाइए, उसके बाद आप तीन चीजों को आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये पिन भी आप अपने साथ में ले जाना ना भूलिए। इसमें छोटे मोटे जो भी आपके कैमरा, चार्जिंग, कोई भी आप ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हो, सबकी पिन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये एक छोटी कील टूल बॉक्स भी आता है, जिसमें सारी पिन है, यू से सी, सी से यू, और आईफोन वगैरह सबकी आपको की वगैरह आपको मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद आपके पास एक टॉर्च होना जरूरी है, जो कि आपको रात वगैरह में काम आती है। उसके बाद में आपको सिर पर ओढ़ने के लिए टोपा गरम आपके साथ में होना ही चाहिए। उसके बाद आपके सॉक्स वगैरह, सॉक्स वगैरह में आपको एक चीज़ याद रखनी है, कम से कम तीन चार जोड़ी सॉक्स आप ले जाइए। अगर एक गंदा हो जाए या पानी में भीग जाए तो आप दूसरे सॉक्स को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल किट में आपकी दवाइयाँ वगैरह, टेप वगैरह, गरम, उसके अलावा कोई भी क्रीम वगैरह जो भी आपके सूटेबिलिटी हो, दवाई आप अपने हिसाब से जो भी आपकी मेडिसिन चलती हो तो उसके हिसाब से ले जा सकते हैं। उसके अलावा पेट दर्द, सिर दर्द, जुकाम वगैरह की आप दवाई अपने साथ में ले जाना ना भूलिए। उसके बाद आप कोई भी गर्म फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, बादाम भी अपने साथ में ले जाइए, जो कि आपको रास्ते में एनर्जी आपको देने का काम करते हैं। उसके बाद अब आ जाती है बात कपड़ों की। तो दोस्तों कपड़ों की बात में सबसे पहले मैं आपको दूंगा एक छोटी तौलिए की। अगर आपको कहीं पर भी रास्ते में हाथ पैर वगैरह पहुंचने हो तो आप बड़े तौलिए के बजाय एक छोटी तौलिए अपने साथ में ले जाना ना भूलिए। इसी के साथ में ये आ जाती है गर्म इनर, तो आपको गर्म बुनियान भी अपने साथ में ले जानी है, क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है। उसके बाद एक ट्रैक सूट भी आपको अपने साथ में ले जाना है, जिसमें आपके पॉकेट वगैरह यात्रा करने में दिक्कत नहीं हो। ये आपकी गर्म जैकेट, ये गर्म जैकेट आपको इतनी सॉफ्ट लेनी है, मतलब ज्यादा वजन की नहीं लेनी है, जो आपको रास्ते में चलने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये आपको मात्र एक जोड़ी या फिर दो जोड़ी आप कपड़े ले जा सकते हैं। कपड़े के साथ में आप बेल्ट ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, काफी सारे जो लोग हैं वो अपने बेल्टों को जल्दबाजी में भूल जाते हैं। उसके बाद ये अपने आपके कपड़े रखने की किट है, इसमें आप 10-5 किटें ले लीजिए, जिसमें आपके एक तो जर्किन आ जाएगी, एक में ट्रैक सूट आ जाएगा, एक में अपने गर्म बुनियाद आ जाएगी। तो दोस्तों अमरनाथ यात्रा पर आप सुखद यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको एक बार दोबारा ये सारी चीजें नोट डाउन करा देता हूं, आप जिससे भूले नहीं। सबसे पहले आपका छोटा वाला बैग, आप छोटी मोटी किधर भी यात्रा पर जाते हैं तो आपका जो बड़ा वाला बैग है उसको आप क्लॉक रूम में जमा करा दें, जिससे आप छोटे बैग का आराम से यूज कर सकते हैं, बड़ा बैग आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दो बैग आपको ये छोटे ले जाने हैं, एक छोटा एक बड़ा। उसके बाद में आपके सॉक्स, तीसरा छोटी टावल, उसके बाद रेनकोट, रेनकोट के बाद गर्म बुनियान, ट्रैक सूट, गर्म जैकेट, कपड़े, ये आपका सिर का टोप, ये आपको अच्छी क्वालिटी के ले जाना है जैसे सर्दी ना लगे। किसी भी चीज़ को नोट डाउन करने के लिए नोटबुक, टॉर्च, उसके बाद ये एसओ सीरीज वाला आइटम, एसओ सीरीज के बाद में आपका स्लिंग बैग, उसके बाद आपका सूज बैग, ये आपका मोबाइल का कवर, स्टील वाली बोतल, ये चश्मा, टोपी, ये आपकी छतरी, उसके बाद चार्जिंग जो आपके सेल वगैरह चार्ज करते हैं, ये आपकी शेविंग किट वगैरह जिसमें आपके बुट्स वगैरह, ये आपके काजू, किशमिश, बादाम वगैरह, ये आपके टैबलेट और ये सॉक्स। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जो भी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं या आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं तो ये सामान आप ले जाइए। अगर आप गर्म जैसे आप सर्दी जैसे कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी।